हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, जेई के एडवांस के क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, गुरुनीति आप देख ही रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करके दिए जा रहे हैं बेटा, और मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स इनके थ्रू आपको एक बार रिवाइज होते जा रहे हैं बेटा। तो आज हम जो गुरुनीति करने जा रहे हैं बेटा, या अपन कह सकते हैं आज जो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम के जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ये आज का टॉपिक अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आज अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो गुरुनीति है बच्चों, गुरुनीति नंबर 10 है ये, ठीक है? और जिसमें बच्चों हमने 2016 से 2020 तक के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है? तो करंट में कैसे क्वेश्चन का सिनेरियो एग्जाम में चल रहा है उसी के बेसिस पर अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, जिनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, अच्छी खासी आपकी इससे मदद हो जाएगी, ठीक है डियर? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन आज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को, ठीक है? देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। ए प्लॉट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड अगेंस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिबिट अपवर्ड डेविएशन फ्रॉम linearity for atomic number z greater than 20 for an unstable nucleus having neutron upon proton ratio less than 1, ठीक है? The possible modes of decay is, ठीक है dear? तो बच्चों first of all आपको question को समझना चाहिए, question को अच्छे से पढ़ना चाहिए। question कहना क्या चाह रहा है बेटो? question में बोला गया है कि ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, एक प्लॉट बनाया जा रहा है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंक्लूड किया हुआ है। एक तरफ तो इसमें किसको कंसीडर कर रहा है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और एक तरफ कंसीडर कर रहा है बेटा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए कब एग्जिबिट करता है, जब लीनियर डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी कब शो करेगा, जब एटमिक नंबर 20 से ज्यादा हो जाएगा। जेड क्या है यहां पर बेटा? एटमिक नंबर है। तो अगर एटमिक नंबर 20 से ज्यादा है तो यहां पर आपको बच्चों लीनियरिटी से डेविएशन शो होने को दिखाई देगा। इनिशियली जब जेड का वैल्यू 20 से कम था तब तो बच्चों क्या हो रहा था, लीनियर ग्राफ आपको देखने को मिल रहा था, बट जैसे ही एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको यहां पर लीनियर ग्राफ से डेविएशन शो होने को दिखाई देगा, ठीक है डियर? तो बच्चों इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपसे लास्ट में कहा हुआ है फॉर अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होंगे उनके लिए न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो लेस देन 1 होता है। तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है n अपॉन p, ये लेस देन 1 होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए। बट हमसे किसकी पूछ रहा है बेटो? ये स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए डेविएशन कब शो होगा इस बारे में आपको जिक्र करना है। तो बच्चों यहां पर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो पहले तो कैसा था, लेस देन 1, बट अब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए या लीनियरिटी से डेविएशन के लिए। तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो शुड बी ग्रेटर। तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो कब ज्यादा मिलेगा, जब न्यूट्रॉनों की नंबर प्रोटॉनों की नंबर से ज्यादा हो जाएगी। उसके लिए हम यहां पर रिएक्शंस देख सकते हैं कौन कौन से केस में न्यूट्रॉन और प्रोटोनों की नंबर का जो रेशियो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ना चाहिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज होना चाहिए। ऐसे केस में एन अपॉन पी का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो सकता है बेटो, ठीक है? देखते हैं। तो बच्चों जब प्रोटॉन 1p1, ये इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज कितना होगा -1, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों यहां पर न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली आप देख सकते हैं 1-1 मास तो कितना हो जाएगा 0, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 1 है। तो यहां पर आपको बच्चों न्यूट्रॉन की नंबर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे ही प्रोटॉन के साथ के इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में एक्सेप्ट किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, तो ऐसे केस में जनरेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्शन किसका हो रहा है, न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है। और बच्चों अगर न्यूट्रॉन बन रहा है तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो बच्चों न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा होने के लिए न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो पहला केस तो हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया।
अब बच्चों बात करते हैं अनदर रिएक्शन की, इस प्रोटॉन के डिके की बात करते हैं। तो 1p1 जब डिके करेगा बेटा तो ये न्यूट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, और साथ में बच्चों ये बीटा पार्टिकल भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो 1β, और बात करें इसके मास की तो मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1p1 प्रोटॉन, यहां पर तो मास कितना है बेटा, 0, और यहां पर मास कितना है, 1। ऐसे केस में देख सकते हैं कि एक तो ये बीटा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, ठीक है, बीटा प्लस रिलीज कर रहा है, साथ में यहां पर इसने 1 न्यूट्रॉन को भी क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से भी क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, यहां पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या किया है, इंक्रीज। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं बच्चों एन अपॉन पी का जो रेशियो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे केस में ग्राफ में क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियस ऑब्टेन होगा जिनके एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा के लिए स्टेबिलिटी ऑब्टेन कब होगी, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ना चाहिए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज हो जाना चाहिए। ऐसे केस में बच्चों न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है वो आपको 1 से ज्यादा देखने को मिलेगा, या न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है डियर। इस तरह की बातें अपन यहां पर करेंगे। अब बच्चों यहां पर आप ये कह सकते हैं कि आपने एक तो क्या देखा है, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन, यहां देखना ये 0 लिखना पड़ेगा आपको, ये बीटा पार्टिकल है, बीटा डिके हो रहा है, तो ये यहां पर 0 ऑब्टेन होगा, ठीक है, क्योंकि ये किस में चला गया है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। और इसकी बात करें तो यहां -1 चार्ज था, यहां +1 चार्ज था, तो ये ऊपर बेटा चार्ज लिखा हुआ है, यहां पर ये चार्ज है तो इसका चार्ज कितना हो गया, 0। यहां पर भी ये चार्ज है, 1 चार्ज था, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो 0 चार्ज है, और इस बीटा पार्टिकल पर भी कैसा है, ये भी 0 चार्ज हो गया है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मास ये न्यूट्रॉन के लिए है और यहां पर ये बीटा पार्टिकल के लिए है, ठीक है। वैसे तो नेगलिजिबल मास होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है माइनस पावर में होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट अपने को जो देखना है वो क्या, यहां पर यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, यहां से भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, तो एन अपॉन पी का जो रेशियो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एन अपॉन पी का रेशियो इंक्रीज हो गया मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं इन रिएक्शन में बीटा माइनस का डिके कहीं नहीं हो रहा, किसका डिके हो रहा है, बीटा प्लस का डिके हो रहा है। यहां पर बीटा माइनस यानी बीटा पार्टिकल का डिके नहीं हो पा रहा है, बीटा प्लस का डिके हो रहा है, पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है। एक्चुअल में पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल यानी कि पॉजिट्रॉन का इमिशन हुआ है, पॉजिट्रॉन को रिलीज किया गया है, ठीक है डियर। तो अपन देख सकते हैं पहली बात तो बीटा माइनस का डिके नहीं हो पा रहा है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब ग्रहण कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रॉन इमिशन, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन, तो आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन निकल गया, ध्यान देना बेटा, अगर न्यूट्रॉन निकल गया तो एटम के न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएगा, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ना चाहिए, इमिट नहीं होना चाहिए, फॉर्म होके न्यूक्लियस के अंदर ही होना चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होना चाहिए, न्यूट्रॉन इमिशन नहीं होना चाहिए एटम से, तो न्यूट्रॉन रिलीज नहीं करना चाहिए, इमिशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में हम कह रहे हैं बीटा प्लस डिके यानी पॉजिट्रॉन एमिशन, ये बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था भी यहां पर इसने बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन को रिलीज किया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है डियर, दोनों ही केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर करेक्ट आंसर जो दिख रहे हैं अपने को बी एंड डी बोथ आर करेक्ट आंसर्स, आंसर्स आर बी एंड डी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर, लिख लें इस बात को आप एक बार, हिंट नोट कर लें, ये था क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा ये। तो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बेटो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द आरएनएस इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज ए फास्ट रिएक्शन, उच्च सक्रियण ऊर्जा सामान्यतः तीव्र अभिक्रिया दर्शाती है, बिल्कुल गलत बात है बेटो।
जनरली हम क्या कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर फास्ट प्रोसीड करना है, कोई भी अभिक्रिया तीव्र कब होगी बच्चों, जब सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा। किसी भी रिएक्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहा है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तभी तो वो एनर्जी बैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस कर पाएगा, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी शो करेगा, तभी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है बात। तो बच्चों ध्यान रखें, एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए तभी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा बेटो। तो फर्स्ट ऑप्शन को कहेंगे आप, फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, इनकरेक्ट है। अब बात करें बेटो सेकेंड ऑप्शन की, रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बात यहां तक। फिर देखते हैं, दिस इज ड्यू टू ए ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है बेटा। मैंने अभी भी कहा था कि जितना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ेगी उतना ही रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये रेट कॉन्स्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कॉन्स्टेंट। और अगर आरएनएस इक्वेशन की बात कर रहे हो तो बच्चों आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू द ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इस तरह का आरएनएस इक्वेशन देखने को मिलता है। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से के का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे फिर एंडोथर्मिक हो, किसी भी केस में बात कर लो आप। तो सेकंड ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन चेक कर लो बेटा, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो रेट कॉन्स्टेंट की टेम्परेचर पर डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कह रहा है। बिल्कुल गलत बोल रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी उतने ही ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी के ज्यादा होने से रेट कॉन्स्टेंट पर फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो भी रेट कॉन्स्टेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे बेटो उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स या काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बढ़ेगा, जिससे नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेगा। या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ जाएगी जो कि एनर्जी बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाएंगे, तभी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर पाएगा, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो थर्ड ऑप्शन कैसा है बेटो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देख लो बेटा, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द रेट एट विच कॉलिजन्स अगर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। बिल्कुल गलत बात है बच्चों। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब ये कैपिटल ए आरएनएस कॉन्स्टेंट की बात कर रहा है, जिसको फ्रिक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। बच्चों ये फ्रिक्वेंसी फैक्टर यहां पर प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इससे एक्चुअल में यहां पर रेट ऑफ या ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कॉन्स्टेंट के लिए इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, या कह सकते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, एनर्जी से रिलेट करने की बात कर रहा है। तो कॉलिजन्स जरूर अगर होती हैं, कॉलिजन्स को जरूर इससे रिलेट किया जाता है। बेसिकली ए जो है ये पी इन टू जेड के इक्वल होता है, ये स्टीरिक फैक्टर है और ये जेड क्या है बच्चों, कॉलिजन फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये एनर्जी से रिलेट नहीं करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है डियर, देन आंसर शुड बी ओनली सेकेंड। ठीक है डियर, नोट करें बच्चों, लिख लें इसका हिंट आप। हाँ तो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटो। ये था क्वेश्चन नंबर टू, और नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है देखो बेटा, फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है बेटो। क्या दिया हुआ है, पीटी सॉलिड H2 गैस प्रेशर दे रखा 1 बार, H+ आयन एक्वस कंसंट्रेशन दे रखी बच्चों 1 m, इधर M+4 एक्वस टू M+2 एक्वस पीटी सॉलिड, यानी कि ये कैथोड है
और बच्चों इधर अपन बात करें तो ये एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये बच्चों इधर कैथोड पर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। अब बच्चों इसके लिए आपको ई सेल का मैग्नीट्यूड दे रखा है, सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, सेल के लिए ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, ठीक है। फर्दर आपसे पूछा क्या है, व्हेन एम प्लस टू एक्वस अपॉन एम प्लस फोर एक्वस इक्वल टू द 10 टू द पावर x, यानी कि ये 10 टू द पावर x है, तो यहां से मुझको x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटो, ठीक है। और ई नॉट यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है बच्चों आपको कैथोड के लिए, कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपके पास है 0.151 वोल्ट, ठीक है डियर। तो बच्चों आपको जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, पहले उस सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस रिएक्शन बनाना चाहिए। अगर आप बैलेंस रिएक्शन बना सकते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है डियर। तो देखते हैं क्या रिएक्शन बनने वाला है, यहां पर चेक करते हैं बेटो। तो इक्वेशन बनेगा, एनोड पर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, कैथोड पर एम प्लस फोर आयन है, एक्वस मीडियम में है, ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटो 2H+ आयन एक्वस में, और बच्चों एम प्लस फोर रिड्यूस होकर चला जाएगा एम प्लस टू एक्वस में, ठीक है डियर। इस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चों यहां पर हाइड्रोजन का प्रेशर कितना दे रखा है, 1 bar या 1 atm, एम प्लस फोर एक्वस और एम प्लस टू एक्वस, ये इक्वेशन में ऑब्टेन हो जाएगा। H+ आयन की कंसेंट्रेशन यहां 1 m दे रखी है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखा जाए, ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कौन आएगा ऊपर, एम प्लस टू एक्वस अपॉन में होगा बच्चों एम प्लस फोर एक्वस। इस तरह का सीन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब बच्चों H+ आयन की कंसंट्रेशन तो 1 है, जिसको अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बचेगा कौन, एम प्लस टू अपॉन एम प्लस फोर। अब देख सकते हैं ई सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.092 इक्वल टू द ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आप देख सकते हैं ई नॉट कैथोड आपके पास 0.151 है, 0.151। तो बच्चों मेरी बात सुनना, मैंने कहा ई नॉट ऑफ कैथोड तो 0.151 है, और ई नॉट ऑफ एनोड जो होगा, ई नॉट ऑफ एनोड बच्चों हाइड्रोजन है, इसलिए ई नॉट ऑफ एनोड तो 0 लिया जाएगा, ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन तो कितना मानेंगे 0, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड जो है उसको लिख ले यहां पे, तो ई नॉट सेल बन जाएगा 0.151 माइनस 0.0591 अपॉन एन वैल्यू, देख सकते हैं एच टू 0 से +1 2 के लिए जा रहा है, तो 2 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा, या देख सकते हैं प्लस फोर से प्लस टू जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो एन वैल्यू 2 लेंगे, लॉग बेस 10, इधर क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस टू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस फोर। इस तरह का सीन देखने को मिलेगा बेटा। अब बच्चों इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो बेटो इस 0.151 को इधर शिफ्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहां तक आपने लिख लिया है, यहां तक एक बार आप नोट कर लें, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं बेटा इसकी। अब मैं इसको बेटा आगे इंक्रीज करता हूं, तो बच्चों फर्दर इसको कैलकुलेट करना है, और हमको कंसंट्रेशन का रेशियो 10 टू द पावर में पूछा हुआ है, ठीक है डियर। तो लास्ट स्टेप की हेल्प से आपको इसका कैलकुलेशन आगे इंक्रीज करना है। देखिए बेटा किस तरह से इंक्रीज करना है, तो इस 0.151 को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा बेटो, इसको इधर ले आओ,
तो 0.092 माइनस 0.151 इधर बचेगा, ये इक्वल टू, ये माइनस का है और ये 0.06 है, अपॉन टू करेंगे तो 0.03 बचेगा, ठीक है। इधर क्या रहेगा, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस टू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस फोर, इस तरह का सीन यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है डियर। अब बच्चों हमको पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है ये वैल्यू ऑफ एम प्लस टू अपॉन एम प्लस फोर, ये कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको नीचे शिफ्ट कर लो, यहां से 0.092 माइनस 0.151 अपॉन, ये नेगेटिव में ऑलरेडी आ रहा है, ये भी नेगेटिव में आ रहा है, तो यहां रह जाएगा 0.03, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बच्चों यहां पर रह जाएगा लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस टू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस फोर, ठीक है डियर, इस तरह का बचेगा। अब इसका फाइनली ये जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसका लॉग हटाने के लिए आपको एंटी लॉग करना पड़ेगा, तो वो 10 टू द पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है डियर। नोट करें सॉल्यूशन, तो आप देख पा रहे हैं यहां से नेगेटिव नेगेटिव कट ही गया था, तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी, और आपको यहां से सॉल्व करने पर बेटो ये 10 टू द पावर 2 मिलेगा, यहां पर मिलेगा 10 टू द पावर 2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी बेटो 2 ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से आप इसमें आंसर सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है डियर। नोट करें बच्चों इसको। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, और नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द फॉलोइंग सेल ZN सॉलिड टू ZnSO4 एक्वास, सॉल्ट ब्रिज गिव्स CuSO4 एक्वास टू कॉपर सॉलिड। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ZN प्लस 2 इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी इन जूल पर मोल इज, एफ इज द फेराडे कॉन्स्टेंट, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, एंड ई नॉट सेल आपको गिवन है बच्चों 1.1 वोल्ट, ठीक है डियर। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आपको जो सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इस सेल की रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से बच्चों आपको बैलेंस रिएक्शन बना लेना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो ये एक डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है बेटा, जिसमें ZN सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वास कन्वर्ट होगा बच्चों ZN+2 एक्वास प्लस Cu सॉलिड, इस तरह का रिएक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा बेटो, ठीक है डियर। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये सॉलिड है इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, ये सॉलिड है इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा। फाइनली नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, हमको डेल्टा जी पूछा हुआ है, तो डेल्टा जी का रिलेशन होता है बेटो डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करना है, ओके। और अपने को यहां पर बेटा थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, तो थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन क्या है ध्यान दें, डेल्टा जी इक्वल टू द डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, जिसको क्या लिख देते हैं अपन बच्चों क्यू लिखते हैं जनरली रिएक्शन क्यू सेंट, और इसको क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से इसको अपन लिख पाएंगे बेटो, ठीक है डियर। अब बच्चों डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, और डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू दी डेल्टा जी नोट क्या होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है डियर, प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ZN प्लस 2 अपॉन Cu+2। तो देख लें ZN प्लस 2 इज 10 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 का 10 टाइम्स है, तो ये 10 है तो ये 1 है, तो यहां लिखेंगे बच्चों log 10 अपॉन 1, और log 10 की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। अब इसको अगर फर्दर देखा जाए तो बच्चों ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, एन वैल्यू रिएक्शन से देख लेंगे, ये जिंक 0 से प्लस 2 जा रहा है तो एन वैल्यू 2 आ जाएगी बेटो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिखेंगे माइनस 2 इंटू फेराडे इंटू ई नॉट सेल कितना है 1.1 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, प्लस 2.303 लॉग 10 बन हो ही गया, बाद में क्या बचेगा केवल आर टी, तो 2.303 आर टी, इस तरह का डेल्टा जी का फाइनल मैग्नीट्यूड आपको
ऑब्टेन हो जाएगा बेटो, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, यानी कि माइनस 2 इंटू फेराडे इंटू 1.1 प्लस 2.03 आरटी। देख सकते हैं ऐसा आपको कहां दिख रहा है, तो माइनस का ये 1.1 इंटू 2 करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, तो 2.2 फेराडे माइनस का प्लस का 2.03 आरटी, ये सेकंड ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां से बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्टेन होगा, ठीक है डियर, नोट कर ले बच्चों सॉल्यूशन, फिर देखते हैं आगे। ये था डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बेटो, जो कि केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटो, ठीक है, देखें बेटा क्या क्वेश्चन है। इन ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बच्चों, 2 है। क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट है उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर मैं कह सकता हूं कि द स्टेरिक फैक्टर पी वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 4.5। यहां पर आपसे स्टेरिक फैक्टर पी ये जो है इसका मैग्नीट्यूड 4.5 दिया हुआ है। बच्चों पी की वैल्यू जब 1 से ज्यादा है यानी कि 4.5 है तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस आपको यहां पर करेक्ट दिखाई दे रहे हैं ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है डियर। तो सबसे पहले यहां पर आपको रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों, पी का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू दी के एक्सपेरिमेंटल अपॉन के कॉलूजन, के एक्सपेरिमेंटल अपॉन के कॉलूजन, ठीक है डियर। अब बच्चों एक्सपेरिमेंटल रेट कॉन्स्टेंट अपॉन कॉलूजन से मिलने वाला रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है डियर, ये आपको पी का फॉर्मूला याद रखना है। अब बच्चों यहां से मुझे के एक्सपेरिमेंटल निकालना है, तो के एक्सपेरिमेंटल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी इंटू के कॉलूजन हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं के एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू दी पी इंटू के कॉलूजन, और बच्चों के कॉलूजन का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होता है इसको भी लिख देता हूं, के कॉलूजन ये आरएनएस इक्वेशन से बच्चों मिलेगा के इक्वल टू दी ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस तरह का के कॉलूजन मिलेगा, ठीक है डियर। अब बच्चों इस के कॉलूजन का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो के एक्सपेरिमेंटल का फॉर्मूला मिलेगा के एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू दी पी इंटू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस तरह का फॉर्मूला आपको यहां से ऑब्टेन होगा। अब बच्चों कंपैरिजन किया जाए तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो P इंटू ए है, ये जो P इंटू ए है ये आपको P के इक्वल मिल रहा है, दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन कर लो आप, ठीक है। तो बच्चों आपको अब इस P इंटू ए के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस को चेक करना है, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। Since P equal to 4.5, the reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. Unless an effective catalyst is used. बच्चों, P का magnitude 4.5 है, यानी कि आपको steric factor 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे केस में बच्चों number of collisions क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको effective catalyst की कोई requirement नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां एक्टिवेशन एनर्जी पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पी जो है ये सक्रियण ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। पी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जेड के साथ रिलेट करता है, तो पी इक्वल टू दी ए इंटू जेड होता है, पी इक्वल टू दी ए इंटू जेड होता है, बट इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी से आपको कोई भी यहां पर आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है डियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इफेक्टिव कैटलिस्ट के लिए कोई जरूरत नहीं है अभिक्रिया को आगे बढ़ने के लिए, अभिक्रिया बच्चों वैसे भी आगे बढ़ेगी, अभिक्रिया में कैटलिस्ट हो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर, ठीक है डियर। सेकेंड देखें, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर, बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने अभी भी कहा था कि स्टेरिक फैक्टर पी से एक्टिवेशन एनर्जी रिलेट नहीं करती है,
बेसिकली पी जो है वो ए इंटू जेड पर डिपेंड करता है। यहां से आप कह सकते हो कि पी ए इंटू जेड के इक्वल है, एक्टिवेशन एनर्जी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो आंसर सेकंड आपका सही है, ऑप्शन सेकंड सही हो गया है। आगे देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय आरएनएस इक्वेशन। ठीक है डियर, अब बच्चों आप देख सकते हैं कि के कॉलिजन में यहां पर कौन आ रहा है, ए, ठीक है, और यहां पर पी इंटू ए, तो ये जो ए है, ये कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल है। ए एक्सपेरिमेंटल बराबर पी इंटू ए है, ए एक्सपेरिमेंटल बराबर पी इंटू ए है, तो पी का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, 4.5 है, तो ये जो ए एक्सपेरिमेंटल है 4.5 का ए से मल्टीप्लाई होने पर मिलेगा, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल मैग्नीट्यूड ज्यादा ऑब्टेन होगा। और ए को क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन प्रिडिक्टेड बाय आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन से ऑब्टेन होने वाले फ्रीक्वेंसी फैक्टर कंपैरेटिवली ए एक्सपेरिमेंटल का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है। यहां पर ये के एक्सपेरिमेंटल ज्यादा मिल रहा है, पी इंटू ए से मिल रहा है, तो के एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होगा तो ए एक्सपेरिमेंटल भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। के एक्सपेरिमेंटल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, पी इंटू ए पर, इसलिए ए एक्सपेरिमेंटल भी आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है डियर, क्योंकि के एक्सपेरिमेंटल बराबर ए एक्सपेरिमेंटल ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इस तरह लिखेंगे। तो यहां पे कौन आ रहा है, ये ए एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, तो ए एक्सपेरिमेंटल किसके बराबर है, ए एक्सपेरिमेंटल बराबर पी इंटू ए, तो पी से मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है ए एक्सपेरिमेंटल, इसलिए हायर मैग्नीट्यूड ऑब्टेन होगा। इसलिए बच्चों यहां पर यह भी करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन देख लो, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाई आरएनएस इक्वेशन इज हायर दैट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाई आरएनएस इक्वेशन इज हायर देन दैट डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर की कंपैरेटिवली आरएनएस इक्वेशन से कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी फैक्टर हायर है, ऐसा कह रहा है इसमें। ठीक है डियर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, पी ए इंटू जेड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है डियर, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है यहां पर किसकी ज्यादा मिल रही है, ए एक्सपेरिमेंटल की ज्यादा मिल रही है। ठीक है, आरएनएस वाले की ज्यादा नहीं मिल रही है, तो इसलिए फोर्थ कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा, ये अपोजिट बोल रहा है बेटा, ये सही बोल रहा था, ये अपोजिट बोल रहा है, इसलिए गलत हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आंसर्स आर ओनली बी एंड सी, बोथ आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है डियर, नोट कर लें सारी बात, हिंट लिख लेंगे, इस तरह से अपन इस इक्वेशन को डिराइव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलें, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है Mg सॉलिड से Mg प्लस 2 कंसंट्रेशन 1m है, Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन 1m है, Cu, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, E नॉट सेल दे रखा है 2.70 एट 300 केल्विन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस 2 इज चेंज टू x मोल पर लीटर यानी xm, द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67 एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा हुआ है। ठीक है डियर, तो बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन यूज करें, E सेल इक्वल टू द E नॉट सेल, E नॉट सेल दे रखा है 2.7 इनिशियली, माइनस 0.0591, एन वैल्यू देख सकते हैं 2 है इक्वेशन से, लॉग बेस 10, ऊपर तो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस 2 अपॉन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। ठीक है डियर, अब बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस 2 को कितना कर रहा है वो, x से चेंज कर रहा है, बट इसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसकी वन ही रहेगी। तो हमको यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो E सेल कितना हो गया बाद में, 2.67 हो गया, तो E सेल की वैल्यू पुट कर दो 2.67, ये हो जाएगा 2.70 माइनस, इसको लिख सकते हैं 0.03 लॉग बेस 10, और यहां बचेगा बेटा x। ठीक है डियर, अब बच्चों इसको इधर ले आओ, तो 2.67 में से 2.70 माइनस करोगे
तो 0.03 बचेगा जो कि माइनस का है, और इधर भी क्या है माइनस का 0.03 log 10x। अब बच्चों ये 0.03 नीचे चला जाएगा तो यहां से log 10x इक्वल टू दी माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, फाइनली क्या बचेगा 0.03 अपॉन 0.03 बचेगा जो कि 1 के इक्वल होगा। तो log base 10 x की वैल्यू 1 आ रही है तो x का वैल्यू निकालना है बच्चों, एंटी लॉग कर दूंगा पॉजिटिव तो 10^1 आ जाएगा, यानी कि x का मैग्नीट्यूड बच्चों यहां से 10 ऑब्टेन होना चाहिए, यहां से x की जो वैल्यू है वो 10 ऑब्टेन होनी चाहिए, यानी कि x का जो आंसर है आपका 10 आएगा इंटीजर के लिए। ठीक है डियर, तो क्वेश्चन कैसा है, इंटीजर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, नोट कर ले बच्चों इसके सॉल्यूशन को एक बार जल्दी से। ठीक है डियर, आगे चले बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। ए गैस डिसोसिएट इनटू 2B गैस प्लस C गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 300 केल्विन, द टोटल प्रेशर एट द बिगिनिंग, यानी कि टी इक्वल टू 0 पर टोटल प्रेशर कितना मान रखा है पी नॉट, और टाइम टी पर टोटल प्रेशर पी टी है, पी टोटल है। इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट विद कंसंट्रेशन ए नॉट, ठीक है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनिशियली ए होगा बाद में बी और सी का फॉर्मेशन होगा। अब कह रहा है एंड टी थर्ड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। ए जो है वो 1/3 डिसोसिएट हो जाएगा कब, जब 1/3 टाइम रिलीज हो जाएगा या 1/3 टाइम चला जाएगा, उतने के बाद ए की कंसंट्रेशन 1/3 डिक्रीज कर जाएगी, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या है द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट दीज, ओके तो ऑप्शंस देख लें आप, इनमें से आपको फर्स्ट में ग्राफ बनाना है ln 3p0 माइनस pt अपॉन वर्सेस टाइम के साथ, ओके तो देखते बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। तो बच्चों k इक्वल टू दी 2.303 अपॉन टाइम log बेस 10, यहां तो लिखेंगे किसको p0, यहां लिखेंगे p0 माइनस x, जिस तरह से वहां लिखते हैं अपन a अपॉन a माइनस x, यहां लिख देंगे प्रेशर की टर्म में p0 अपॉन p0 माइनस x। अब बच्चों हमको यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/3 डिसोसिएशन से, ठीक है, यानी कि पहले अपन देख लेते हैं कि x की वैल्यू उस रिएक्शन से कितनी आ रही है। ठीक है डियर, चेक करते हैं, तो रिएक्शन आपके सामने है, इसको यहां लिखता हूं मैं, ए गैस गिव्स 2B गैस प्लस C गैस। ठीक है डियर, अब बच्चों इसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, ये इनिशियली 0-0 होंगे, बाद में ये पी नॉट माइनस एक्स चला जाएगा, ये 2x बनेगा और ये बच्चों x के इक्वल बनेगा। अब इन सबको ऐड कर दें तो टोटल प्रेशर मिलेगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, ये सब कुछ मिला के पी टोटल के बराबर होगा, पी टी के बराबर होगा, यहां से x से x कैंसिल होगा, फाइनली पी टी का वैल्यू p0 प्लस 2x के बराबर मिल रहा है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं 2x बराबर pt माइनस p0 हो जाएगा, तो x बराबर मिलेगा, यहां से x की वैल्यू मिलेगी pt माइनस p0 अपॉन 2, ये आपके पास बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा, और इस x के वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे तो आपको बच्चों ये इक्वेशन मिल जाएगी। चलो लिख देता हूं मैं इसको इधर, तो k इक्वल टू दी, अब ये log बेस 10 में है, इसको ln बेस में पूछा हुआ है, तो t को इधर ले जाओ और इधर 1 अपॉन t बचेगा, 2.33 को डिवाइड यहां से हटा दूंगा मैं, ये हो जाएगा ln, ऊपर रह जाएगा p नॉट अपॉन p नॉट माइनस x की वैल्यू पुट कर दो pt माइनस p नॉट अपॉन 2, pt माइनस p नॉट अपॉन 2, इस तरह का वैल्यू होगा। चलो इसको क्लियर कर देता हूं एक बार, तो यहां पर आपको ऑब्टेन हो रहा है p0 अपॉन p0 माइनस
ये कितना है, x का वैल्यू पी टी माइनस पी नॉट अपॉन टू के इक्वल है, ठीक है डियर, इस तरह का मिल रहा है। अब बच्चों इसको आगे कैलकुलेट कर लें तो यहां से आप देख सकते हैं आपको जो टर्म मिलने वाली है वो थ्री पी नॉट माइनस पी टी ऊपर मिल जाएगा। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लें, एक बार बच्चों आप लिख लें इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन इसी को आगे सोल्व करेंगे। तो आगे बढ़ता हूं बेटा, देखें अब बच्चों फाइनल इक्वेशन एल एन बेस में अपन निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और अब इसको आगे सोल्व करेंगे आप। देखें बेटा उधर जो टर्म आया है इसको आगे बढ़ाया तो के टी इक्वल टू दी वन अपॉन टी एल एन कितना रह गया है पी नॉट अपॉन, यहां पर हो जाएगा टू एल सी एम ले लूंगा, तो इधर कितना बचेगा टू पी नॉट, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में क्या रहेगा पी टी माइनस पी नॉट और अपॉन में क्या जाएगा बेटा टू आ जाएगा। अब बच्चों यहां इसको देखें तो ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो टू पी नॉट और प्लस पी नॉट थ्री पी नॉट हो जाएगा और माइनस पी टी बचेगा टू पी नॉट ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ये बनेगा इक्वेशन के टी इक्वल टू दी वन अप सॉरी टी तो हटा चुका हूं मैं पहले यहां से, ये टी नहीं रहेगा, इतना सा बचेगा, ठीक है डियर। तो बच्चों यहां के टी इक्वल टू दी वन और इधर क्या रह गया एल एन, ये टू ऊपर चला गया तो हो जाएगा टू पी नॉट अपॉन टू पी नॉट प्लस पी नॉट थ्री पी नॉट माइनस पी टी, ठीक है ये बचेगा थ्री पी नॉट माइनस पी टी, ये एल एन बेस में आपको ऑब्टेन हुआ है। अब बच्चों हमको ग्राफ किस में बनाना है आपको ये देखना है, तो ग्राफ जो बनाना है इसमें एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी तो कहाँ है वाई एक्सिस पर है और टाइम जो है टी ये एक्सिस पर है, तो इसको मुझे ऊपर ले जाना है तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस के टी इक्वल टू दी एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी अपॉन में बचेगा टू पी नॉट, इस तरह बचेगा। अब लॉग एम अपॉन एन दिख रहा है तो लॉग एम माइनस लॉग एन की टर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये माइनस की वैल्यू इधर चली जाएगी बेटो प्लस में हो जाएगी, यानी कि ये बचेगा माइनस के टी प्लस एल एन टू पी नॉट इक्वल टू दी इधर रह जाएगा एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी, ऐसा रह जाएगा। अब इसका कंपेरिजन कर लें, ये वाई एक्सिस पर हो गया वाई, ये इंटरसेप्ट सी हो गया ये एम और ये एक्स एक्सिस पर टाइम हो गया, तो देख सकते हैं स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यहां से स्लोप नेगेटिव है, वाई एक्सिस पर एल एन थ्री पी नॉट माइनस पी टी है तो इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन देख लें, टी वन थर्ड डिक्रीज कर रहा है ए नॉट के डिक्रीज करने के साथ, तो आपको यहां से बच्चों टी वन थर्ड के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन से आप वापस से फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगा लेना k इक्वल टू दी 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस x और इसको वन थर्ड x की वैल्यू सीधे क्या रख देंगे पी नॉट बाई 3 रख देंगे, तो आप यहां से इजीली क्या कैलकुलेट कर लोगे टी वन थर्ड का मैग्नीट्यूड, ये जो t है इसको कैलकुलेट करना है, टी वन थर्ड निकालना है, k नीचे चला जाएगा, तो बच्चों टी वन थर्ड जो है ये आपको कॉन्स्टेंट मिलेगा, ये 1 अपॉन के यानी कि 2.303 अपॉन के और इधर जो बचेगा टर्म लॉग बेस 10 और यहां x की वैल्यू पी नॉट बाई 3 पुट कर देंगे तो 2 पी नॉट
अपॉन। तो बेटा यहां से मैंने कहा ये जो रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन की हेल्प से आपको यहां पर ये सॉल्व करना है। तो यहां से आपको बच्चों 1/3 मिलेगा, ln 1/3 मिलेगा। तो फाइनली टी 1/3 जो आएगा ये 1/k इंटू ln 1/3 के इक्वल मिलेगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये k भी कांस्टेंट है, तो टी 1/3 बच्चों कांस्टेंट रहेगा। ये आपको टी 1/3 जो है कांस्टेंट ऑब्टेन होगा, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है डियर। अब थर्ड में कह रहा है ln p0 माइनस pt टाइम के साथ ऐसा रिलेशन है, ये गलत है, पहले से अपन देख चुके हैं। और बच्चों फोर्थ में देखें, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखें किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर उसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। या कैटलिस्ट जो है ये भी रेट कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में। बट अगर बात करें कंसंट्रेशन की या प्रेशर की, तो ये रेट कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो आंसर्स आर ए एंड डी, बोथ आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर्स आर ए एंड डी। ठीक है डियर, ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बेटो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। बच्चों द सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स टार्निश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस वाज पास्ड टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ कॉपर एट 1250 केल्विन टेम्परेचर। हाउएवर द नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 1 mole% 1 mole% कह रहा है, 1 mole% ऑफ वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां से pH2O जो होगा 100 मोल में 1 मोल है, यानी कि 1 × 1/100। यहां से pH2O का मैग्नीट्यूड आपको 10^-2 ऑब्टेन होगा। ठीक है। अब बच्चों फर्दर क्या कह रहा है, वेपर एज इंप्योरिटी द वॉटर वेपर ऑक्सीडाइजेज कॉपर एज पर द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, इस तरह से वाटर वेपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये मेजर रिएक्शन है, ये सॉलिड है, एक्टिव मास 1 होगा। pH2 इज द मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन बार नीडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एट 1250 केल्विन। द वैल्यू ऑफ ln pH2 कैलकुलेट करना है, कंडीशंस को ध्यान रखेंगे, टोटल प्रेशर 1 bar है, R का मैग्नीट्यूड 8 joule/mole into Kelvin लेना है, ln 10 की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2.3। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। साथ में कह रहा है एट 1250 केल्विन डेल्टा जी नोट दे रखा है इस रिएक्शन के लिए, यहां पर भी डेल्टा जी नोट दे रखा है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको मेजर रिएक्शन के लिए पहले डेल्टा जी नोट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेल्टा जी नोट रिएक्शन इक्वल टू दी, देख सकते हैं कॉपर यहां पर LHS में, यहां पर भी कॉपर LHS में है, सेम साइड में है, यहां हाइड्रोजन LHS में रिक्वायर्ड की तरह RHS में है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, उसका साइन एज इट इज रहेगा फर्स्ट वाली का। तो ये तो रहेगा माइनस का 78 किलोजूल, ये प्लस का हो जाएगा, किलोजूल में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने 178, यहां से 100 किलोजूल डेल्टा जी नोट का वैल्यू आ गया। यहां से डेल्टा जी नोट कितना आ गया 100 किलोजूल। अब डेल्टा जी नोट के लिए रिलेशन अप्लाई कर दूंगा, क्या होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दी माइनस आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम को क्या लिखेंगे इस मेजर रिएक्शन से pH2/pH2O। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा जी नॉट कितना आया है 100 किलोजूल, ठीक है, इक्वल टू माइनस आर 8 है, इसको किलोजूल में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, टेम्परेचर रख दो 1250 केल्विन। ठीक है, और फाइनली इधर क्या लिख लोगे ln pH2/pH2O कितना है 10^-2 के इक्वल है। ठीक है डियर। अब बच्चों इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, तो ये टर्म तो एज इट इज रख लो, ये पूरी टर्म
ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 100 इधर आ जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, 125 इंटू 8 बचेगा, यानी कि फाइनली मैं इधर लिख रहा हूं उसको 100 किलो जूल इंटू 100 अपॉन में कितना आ गया 125 इंटू 8, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू दी माइनस आर के वैल्यू, सॉरी इसको हम पहले लिख चुके हैं बेटा, वैल्यू पुट कर चुके हैं यहां पर, तो इधर क्या रह गया ओनली, इधर जो बचा हुआ है, इधर ओनली क्या बचा हुआ है, एल एन पी एच टू अपॉन पी एच टू ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 टू माइनस 2, 10 टू द पावर प्लस 2 हो गया। अब लॉग एम इन टू एन की टर्म में दिख रहा है, तो इसको आप एल एन पी एच टू तो कैलकुलेट करना है, और लॉग एम इन टू एन है तो प्लस क्या कर दो 2 एल एन 10, और एल एन 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 2.3, ये वैल्यू पुट करनी है आपको, तो 125 इंटू 8 करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है, ओके डियर। और 1000 से 1000 कैंसिल कर देंगे, एक और जीरो चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ऊपर 10 रह गया उधर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दिया, इधर लिख देता हूं उसको मैं, इधर तो बच रहा है 10, तो 10 इक्वल टू दी क्या रह गया एल एन पी एच टू, और उधर आगे माइनस था पहले, तो इस माइनस को भी आगे रखेंगे, माइनस का एल एन पी एच टू, उधर प्लस का क्या बच रहा है 2 एल एन 10, एल एन 10 की वैल्यू पुट कर दो 2.3, तो ये 4.6 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे लिख लो, इधर क्या बच रहा है 10, और इधर से ये 4.6 इधर आ जाएगा जो कि माइनस का है, तो 4.6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एल एन एच टू के इक्वल, यहां से एल एन एच टू का मैग्नीट्यूड 14.6 के इक्वल आएगा, एल एन एच टू हो जाएगा 10 प्लस 4.6 यानी कि 14.6 के इक्वल आपको एल एन एच टू की वैल्यू ऑब्टेन होगी, तो आपका आंसर जाएगा बच्चों 14.6। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर। ये मैंने यहां 10 टू द पावर माइनस 2 था, इसको ऊपर ले गया था, 10 टू द पावर प्लस 2 कर दिया, लॉग एम इन टू एन की टर्म में सॉल्व कर दिया, एल एन 10 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और उधर माइनस था, इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसमें आगे ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस 4.6 कर देंगे तो 14.6 आपको इसका आंसर ऑप्टेन होगा, ठीक है डियर। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, ए गैस प्लस बी गैस रिवर्सिबली फॉर्म ए बी गैस, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बाई 2RT, ठीक है। इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन, डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई ए फॉरवर्ड कम है, ई ए बैकवर्ड ज्यादा है, तो ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड, ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड जो है 2RT के इक्वल दे रखा है, ठीक है। नाउ के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड का जो रेशियो है ये आपको दे रखा 4, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड का रेशियो 4 दे रखा है, 4 टाइम्स है। अब डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दी माइनस RT एल एन के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड से, ठीक है बच्चों। तो पहले RNS इक्वेशन की हेल्प लेंगे, के फॉरवर्ड इक्वल टू दी ए फॉरवर्ड
ई टू दी पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, सिमिलरली के बैकवर्ड इक्वल टू दी ए बैकवर्ड ई टू दी पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। ठीक है, अब दोनों का रेशियो कर देंगे। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, ए फॉरवर्ड के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड अपने को कैलकुलेट करना है जो कि के इक्विलिब्रियम होगा। ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड का आपको रेशियो दे रखा 4, और ये बेस सिमिलर है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी जाए, के इक्विलिब्रियम कितना कैलकुलेट करना है तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड की वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 4, और ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड जो कि कितना था, ए फॉरवर्ड अपॉन ए फॉरवर्ड अपने को दे रखा है 4 का इक्वल दे रखा है। ठीक है, जिसको अपन ने लिख दिया इक्वल में 4। अब यहां पे क्या रह जाएगा, ई टू दी पावर ऊपर जाएगा तो ई ए बैकवर्ड प्लस में हो जाएगा, ई ए बैकवर्ड प्लस का हो गया माइनस ई ए फॉरवर्ड। ठीक है, और बेस सिमिलर है आर टी। ठीक है, अब यहां से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो जाएगी 4 ई ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड दे रखा है 2 आर टी, तो 2 आर टी अपॉन आर टी से आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 4 ई की पावर 2 ये आपको के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा 4 ई की पावर 2। इस के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इस इक्वेशन में लिखेंगे अपन, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दी माइनस आर टी एल एन 4 ई टू दी पावर 2, ये लॉग में है, लॉग एम इन टू एन दिख रहा है तो पावर आगे ले आएंगे। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दी माइनस आर टी की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, ये दे रखा आर टी इक्वल टू दी 2500, तो 2500 एल एन 4, और ये हो जाएगा एल एन ई टू दी पावर ई 1 हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब एल एन ई टू दी पावर ई लिख देता हूँ, चलो एल एन ई टू दी पावर ई इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है तो माइनस 2500 एल एन 4, एल एन 2 की वैल्यू आपको 0.7 लेनी है तो एल एन 4 की वैल्यू डबल हो जाएगी यानी 1.4 हो जाएगी, इन टू में है 1.4 प्लस 2, तो यहाँ से आपको ये 2 प्लस 1.4 यानी कि 3.4 मिलेगा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल दी 2500 इंटू 3.4 ये कर देंगे और यहाँ से आपको आंसर ऑप्टेन हो जाएगा। तो ये जो आंसर है आपको डेल्टा जी नॉट का वैल्यू माइनस 8500 जूल पर मोल ऑप्टेन होगा, ये आपका आंसर आएगा माइनस 8500 जूल पर मोल। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, नोट कर ले बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9 और अगला क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं क्या है, कंसिडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए सॉलिड ऑक्सीडाइज हो रहा है ए प्लस एन में, एक्वस मीडियम कंसंट्रेशन दे रखा है 2 मोल पर लीटर, सॉलिड ब्रिज लगा हुआ है बी 2N प्लस, एक्वस 1M कंसंट्रेशन दिया हुआ है, बी सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है कैथोड पर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा जी नॉट। बिल्कुल ठीक है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 2 डेल्टा जी नॉट के इक्वल है ऐसा कहा हुआ है 300 केल्विन पर। इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0 ई नॉट, ई सेल 0 है, ई नॉट सेल 0 नहीं होगा। द डेल्टा एस नॉट ऑफ द सेल पूछा हुआ है पर मोल ऑफ बी यानी 1 मोल ऑफ बी के लिए। ठीक है, एल एन 2 का वैल्यू कंसिडर करना है 0.7 और यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर की वैल्यू कितनी लेनी है 8.3 लेनी है ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन बनना पड़ेगा, कैसे बनाओगे देख लेते हैं। तो इनिशियली ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एनोड पर तो क्या रिएक्शन बनेगी, 2 मोल्स ऑफ ए लेना पड़ेगा क्योंकि इधर 2n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 2 मोल्स ऑफ ए सॉलिड ऑक्सीडाइज इनटू 2 ए एन प्लस
और टू इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली टू एन इलेक्ट्रॉन अकेला बी रिलीज कर रहा है तो वन एटम लेना पड़ेगा, तो बी टू एन प्लस उन टू इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि टू एन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, टू एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टू है एन इलेक्ट्रॉन वन रिलीज कर रहा है, तो टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और टू मोल्स ऑफ बी सॉलिड में रिड्यूस हो जाएगा। ये होगा कैथोड का रिएक्शन, कंबाइंड रिएक्शन लिख देंगे तो टू ए सॉलिड प्लस बी टू एन प्लस एक्वस इधर फॉर्म करेगा टू ए एन प्लस प्लस टू बी सॉलिड, ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ से इस रिएक्शन की हेल्प से हमको पहले बच्चों ई नॉट सेल निकाल लेना चाहिए। तो ई नॉट सेल का रिलेशन होता है रिएक्शन क्यूसेंट के साथ, तो ई नॉट सेल इक्वल टू दी एल एन बेस में बात करनी है तो आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, और क्यू क्या होता है रिएक्शन क्यूसेंट, जो कि ये तो सॉलिड है वन हो जाएगा, ये एक्वस है तो ऊपर लिखेंगे ए प्लस एन की पावर टू, स्टोइकोमेट्री को पावर में ले जाएंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ बी टू एन प्लस, पावर वन ही रहेगी, स्टोइकोमेट्री वन है यहाँ पर। अब ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है इक्वल टू दी आर टी, एन की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं टू एन, तो टू एन एफ फेराडे एल एन ए प्लस एन की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है देख सकते हैं टू दे रखी है, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन बी प्लस टू एन की कंसंट्रेशन वन दे रखी है, यहाँ से सॉल्व कर लो इसको तो फोर बाई वन यानी कि एल एन फोर हो जाएगा। यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई आपके पास आर टी अपॉन टू एन एफ एल एन फोर, ये आपके पास आ गया ई नॉट सेल का मैग्नीट्यूड, ई नॉट सेल आ चुका है। अब बच्चों डेल्टा जी नॉट निकालने हैं, तो डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दी माइनस एन वैल्यू रिएक्शन में देख सकते हैं कितनी है टू एन इंटू फेराडे इंटू ई नॉट सेल आ चुका है, आर टी अपॉन एन एफ कितना है टू एन एफ एल एन फोर, ठीक है डियर बच्चों, टू एन से टू एन कैंसिल हो जाएगा, फेराडे से फेराडे कैंसिल हो जाएगा, फाइनली डेल्टा जी नोट आ जाएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस क्या बच रहा है आर टी और एल एन फोर, माइनस आर टी एल एन फोर, ये आपके पास डेल्टा जी नोट आ गया है, ठीक है डियर। अब एल एन टू को 0.7 ले रहा है तो एल एन फोर को अपन 0.7 इंटू टू यानी कि 1.4 ले लेंगे, तो यहाँ से डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा ये माइनस 1.4 आर टी माइनस 1.4 आर टी, ये आपके पास आ गया डेल्टा जी नॉट। अब एंट्रोपी पूछा हुआ बच्चों डेल्टा एस नॉट, तो इक्वेशन लगा देंगे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से डेल्टा एस नॉट हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू दी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन टी अपॉन टी, तो केवल टेम्परेचर बचेगा यहां पर, ठीक है डियर। तो डेल्टा एस नॉट इक्वल डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन टी। अब बच्चों डेल्टा एस नॉट इक्वल टू द डेल्टा एच नॉट टू डेल्टा जी नॉट के इक्वल है ऐसा क्वेश्चन में कहा है, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन टी और टू डेल्टा जी नोट में से डेल्टा जी नोट जाएगा तो डेल्टा जी नोट बचेगा केवल, ठीक है। तो यहां से इसको यहां लिख रहा हूं डेल्टा एस नॉट इक्वल टू दी डेल्टा जी नॉट अपॉन टी रह गया है, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल चुके हो, कितनी निकाली थी माइनस 1.4 आर टी, ये यहां पर पुट कर देंगे तो माइनस 1.4 आर टी अपॉन टी और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली डेल्टा एस नॉट ये बचेगा माइनस 1.4 इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है क्वेश्चन में देख लेंगे आप 8.3 लेनी है, तो ये यहाँ पर 8.3 पुट कर दो। यहाँ से आपको बच्चों डेल्टा एस नॉट का मैग्नीट्यूड मिल रहा है
माइनस में आ रहा है, माइनस का 11.62, ये आपके पास डेल्टा एस नोट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है डियर, ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर डेल्टा एस नोट कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन नोट कर लें, लिखें क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं अपन। मोलर कंडक्टिविटी पाई एम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट विच वी हैव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज रिकॉर्डेड एट वेरिंग कंसंट्रेशन सी ऑफ सोडियम स्टीरेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स प्रोवाइड्स द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिसेल फॉर्मेशन इन द सॉल्यूशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन इज मार्क विद एन एरो इन द फिगर। ठीक है डियर, तो बच्चों सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला क्या होगा? ये सी अपन बात कर रहे हैं सोडियम स्टीरेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 की बातें कर रहे हैं, तो सोडियम स्टीरेट इसका फॉर्मूला होगा C17H35CONa। ठीक है डियर, एक्वस मीडियम में है, Na प्लस सेपरेट होगा, इस तरह से माइनस में डिसोसिएट होगा, ये बनेगा बच्चों यहां पर एनायनिक पार्ट, जिसमें ये जो पार्ट है ये तो कैसा है, पोलर हेड है, इसे तो कहोगे आप पोलर हेड, इसे कहोगे नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। ठीक है, अब बच्चों इनिशियली तो ये आयनाइज हुआ है, इनिशियली तो वन मॉलिक्यूल है सोडियम स्टीरेट का, ये क्या हुआ है आयनाइज हुआ है, तो नंबर ऑफ आयंस क्या है कम है, और नंबर ऑफ आयंस कम है तो आप कहेंगे कि मोबिलिटी फास्ट होगी, मोबिलिटी ज्यादा होगी, और जब बच्चों मोबिलिटी ज्यादा होगी तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियली कंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो एग्रीगेशन होगा, और नॉन पोलर पार्ट एक दूसरे से एग्रीगेट होकर यहां पर मिसेल का फॉर्मेशन कर लेगा, क्लस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा, और जैसे ही क्लस्टर बनेगा बच्चों मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया तो उस मॉलिक्यूल की मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोबिलिटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस भी बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ अपने को चेक करना है जहां पर इनिशियली तो कंडक्टेंस फास्ट था, इनिशियली तो कंडक्टेंस यहां कम है, गलत हो गया, यहां कंडक्टेंस इनिशियली ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब एग्रीगेशन होगा तो कंसंट्रेशन तो क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है, यहां पर तो कंसंट्रेशन क्या है डिक्रीज हो रहा है बहुत ज्यादा, बट यहां पर तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन भी इधर जाने पर बढ़ता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो वो गलत हो गया, इसमें क्या कर रहा है, इनिशियली कंडक्टेंस फास्ट है, फिर धीरे धीरे एग्रीगेशन होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, और फिर ज्यादा एग्रीगेट हो जाएगा, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो और भी कंडक्टेंस डिक्रीज करता जाएगा, तो कंडक्टेंस नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए बेस्ट आंसर जाएगा बच्चों बी। उसको देख लो उधर, यहां क्या कह रहा है, कंडक्टेंस इनिशियली ज्यादा है फिर घट रहा है, पर फिर बाद में कॉन्स्टेंट ही कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आयन मोबिलिटी करता रहेगा, कंसंट्रेशन ही कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, और पाई एम को कांस्टेंट कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वेशन क्या है डिवाई हकल का, पाई एम इक्वल टू दी पाई एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट ऑफ सी, इस तरह का इक्वेशन होता है डिवाई हकल का, जहां से कंडक्टेंस बढ़ने पर मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करता है बेटो। ठीक है, तो आंसर देंगे बच्चों पर यहां पर सेकेंड बी आंसर जाएगा, ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इन द डिके सीक्वेंस 92 यूरेनियम 238 माइनस X1 यानी कि X1 पार्टिकल यहां से रिलीज कर रहा है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, 90 थोरियम 234 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ बेटो कि यहां पर एटॉमिक मास 38 से 34 हो गया, तो 4 से डिक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर गया है, इसका मतलब यहां पर ये अल्फा पार्टिकल होगा बेटा, तो X1 होगा अल्फा पार्टिकल। देन ये 90 थोरियम से 91 गया है, इसका मतलब सीधा सा यहां पर एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है, बट मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब 100% ये बीटा पार्टिकल है बेटो, इसे कहेंगे बीटा पार्टिकल। यहां देख सकते हैं 91 से मास में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, और एटॉमिक मास सिमिलर है, इसका मतलब यहां पर कोई बीटा पार्टिकल निकाला जाए तो ये 92
यूरेनियम में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है, ठीक है। तो 92 यूरेनियम 234 में कन्वर्ट हो जाएगा और बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा ये भी। इसके बाद फोर्थ देखें तो यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 90 रह गया, मतलब एटम नंबर 2 से डिक्रीज कर रहा है, एटमिक मास 4 से डिक्रीज कर रहा है, फिर से वही अल्फा पार्टिकल है, 2He4 रिलीज करेगा, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल होगा। अब आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं, क्या क्या आंसर्स देखने को मिलेंगे देख लें एक बार। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जेड इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, बिल्कुल सही बात है, जेड यूरेनियम का आइसोटोप है, क्योंकि पहले मास 238 था, अब मास चेंज हो गया है, 234 हो गया है, तो ए करेक्ट है। X3 इज गामा डिके, X3 गामा डिके नहीं है, गलत बात है। फिर कह रहा है X1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, X1 अल्फा पार्टिकल है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है X2 इज बीटा माइनस, बिल्कुल सही है, X2 क्या है, बीटा पार्टिकल है, तो ये भी करेक्ट है। आंसर्स आर A, C and D, ठीक है डियर, इस तरह के आंसर्स देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो कंसिडर द काइनेटिक डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन A+B+C गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल कंडक्स का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं 4, कंसंट्रेशन ऑफ ए के डाटा दे रखे हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि मोल पर लीटर में, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पावर का ध्यान रखना, यहाँ 10^-5, यहाँ 10^-5, यहाँ भी 10^-5 कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप लिखोगे तो बच्चों इसको कहेंगे 10^-5 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हो आप 12×10^-5, इस तरह कन्वर्ट कर लोगे। अब इसका रेट इक्वेशन बनाना है R, तो R इक्वल टू दी K×एक्टिव मास ऑफ A×एक्टिव मास ऑफ B×एक्टिव मास ऑफ C, इसकी पावर स्मॉल a, इसकी पावर स्मॉल b और इसकी पावर स्मॉल c, इस तरह का रेट इक्वेशन बनाया हुआ है। अब हमको a, b और c की वैल्यू पता लगानी है, ध्यान रखें ये हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे अपन इसको। कैसे, अगर मुझे a की कंसंट्रेशन चेक करनी है, अगर मुझे a की ऑर्डर चेक करनी है, a का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों मुझको b और c में दोनों में ऐसा डेटा देखना है जो कॉन्स्टेंट हो एक साथ, तो ऐसा डाटा कौन सा है ये देख लें आप। देखो यहाँ पर बी में 1 और 3, ये 1 और 4 कांस्टेंट है, और सी में भी 1 और 4 कांस्टेंट है। ऐसे केस में बच्चों इस ए की कंसंट्रेशन कितनी जा रही है, 0.2 से 0.3 जा रही है, और रेट में भी चेंज देख लें इसी साथ, 6 से 9 जा रहा है, यानी कि रेशो करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3/2, 9/6, और यहाँ पर भी रेशो क्या मिलेगा, 3/2, इसका मतलब पावर 1 आ जाएगा बेटा, दोनों में रेशो सिमिलर आ रहा है, तो ए की पावर 1 आ जाएगी, स्मॉल ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। सिमिलरली बी की कंसंट्रेशन चेक करनी है, तो बच्चों ए में और सी में दोनों में कांस्टेंट कंसंट्रेशन कौन सा है ये देखना है, तो ए में और सी में दोनों में लगातार कांस्टेंट कंसंट्रेशन देख लेते हैं। ये देखो 1 और 2 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 1 और 2 कांस्टेंट है। ऐसे केस में बी की कंसंट्रेशन देखो 1 to 2 जा रही है, डबल हो रही है, इस समय रेट क्या हो रही है, सेम है, तो बी की रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब कंसंट्रेशन डबल हुई है। जब कंसंट्रेशन डबल किया गया तो बी की रेट पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ऑर्डर 0 आएगा बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो स्मॉल बी का मैग्नीट्यूड 0 लिखेंगे। अब सी की कंसंट्रेशन चेक करनी है, तो बेटा ए और बी में आपको दोनों में कांस्टेंट डेटा चेक करना है, ऐसा डेटा चेक कर लेते हैं। देखो 1 और 3 ए में कांस्टेंट है, 1 और 3 बी में भी कांस्टेंट है, इस समय सी की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है, देखो 0.1 से 0.2 गया है, मतलब डबल हो रही है, और रेट को देखना 6×10^-5 से 12×10^-5 हो गया, मतलब डबल हो गया, ये भी 2 times हो गया, तो कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या लेंगे बेटो, 1 लेंगे, तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू 0 आ गया, और सी का वैल्यू 1 आ गया। ऐसे केस में इस रेट इक्वेशन में आर इक्वल टू दी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 0, इस तरह का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब बच्चों आपको यहां से
कंसंट्रेशन आपको दिए हुए हैं, ये दे रखा है, बी का कंसंट्रेशन भी दे रखा है और सी का कंसंट्रेशन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है डियर। तो बच्चों आपको रेट ऑफ इक्वेशन निकालना है, आर की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो आर की वैल्यू चेक करने के लिए कंसंट्रेशन पुट कर दो यहां पर, तो आर इक्वल टू दी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना लिखना है 0.15, कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसीडर मत करो कोई पावर जीरो है, कंसंट्रेशन ऑफ सी कितनी है 0.15, इसकी भी पावर वन है, सी की यहां कितनी पावर वन है, ऑर्डर इसकी बना रही थी सी की, ठीक है। तो यहां से आर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बच्चों आपको के भी कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो के निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर वन की हेल्प ले लो, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट की हेल्प ले सकते हो। तो अगर मैं रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहां से के निकाल लूं, तो यहां पर आप लिख पाएंगे आर इक्वल टू दी के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है फर्स्ट में 0.2, और कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना है फर्स्ट में 0.1, और फर्स्ट में आर कितनी है ये रख दो यहां पर 6×10⁻¹। यहां से के आ जाएगा, तो के इक्वल टू दी कितना हो गया 6×10⁻¹ अपॉन ये कितना है 2×10⁻¹, और ये भी 10⁻¹, तो इसको लिख लेंगे 2×10⁻²। यहां से इसको सॉल्व कर लें तो आपको ये 3 times कैंसिल होगा, यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई है 3×10⁻³, ये k आ गया है, और इस k की वैल्यू उठा के यहां पुट कर लेंगे आप, तो आपको रेट का आंसर आ जाएगा। तो r इक्वल टू दी k रख दो कितना आ रहा है 3×10⁻³ इंटू कंसंट्रेशन देख सकते हैं 15×10⁻², लिख लूंगा। हाँ तो बेटा k का वैल्यू पुट कर दिया और कंसंट्रेशन पुट कर दिया, ये भी कितना है 15×10⁻²। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आपको R का वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 15×3 = 45×15, और ये 10⁻³ और −4 −7, इस तरह का आपको यहां से R ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। और ये जो मल्टीपल आएगा पावर में एग्जैक्ट, इसको आप Y लिख लेंगे, ठीक है डियर। यहां से आप इसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है। जो पावर में पूछा हुआ है 10⁻⁵ में कन्वर्ट कर लेना उस आर को, यहीं से आपको आंसर ऑप्टेन होगा 10⁻⁵ में वाई का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। नोट कर लें बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, ठीक है डियर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू N2O5 गैस गिव्स टू N2O4 गैस प्लस O2 गैस is started in a closed cylinder under isothermal isochoric condition at initial pressure of 1 atmosphere, ठीक है, isothermal isochoric condition at initial pressure of 1 atmosphere, initial pressure दे रखा 1 atmosphere, after y into 10⁻³ time है, the pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atm, if the rate constant of the reaction is 5×10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर द वैल्यू ऑफ y इज, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों N2O5 का डिसोसिएशन हो रहा है, 2 moles ऑफ N2O5 गैस थर्मली डिकम्पोज इनटू दी 2 moles ऑफ N2O4 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। इनिशियली बच्चों इसका प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, इनिशियली 0-0 होंगे, आफ्टर टी टाइम ये डिकम्पोज होगा 1 - 2p, प्रेशर को p मान लिया मैंने, ये फॉर्म होगा 2p और ये फॉर्म हो जाएगा p, ठीक है डियर। अब बच्चों एट द इन्फाइनाइट टाइम, जब t इक्वल टू इन्फाइनाइट है यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ t टाइम था, इनिशियली टी इक्वल टू 0 था, ये खत्म हो जाएगा, और ये बच्चों कितना बन रहा है 2p के इक्वल, और ये बच्चों कितना बन रहा है p के इक्वल,
इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों टोटल प्रेशर जो है बाद में ये आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पहले ये चेक कर लें आप। तो इनिशियल प्रेशर 180 एम है और टोटल प्रेशर बाद में सिलेंडर में पाया गया 1.45 एटमॉस्फेयर, तो इनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो सॉरी 1 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, ये मिलेगा बेटो 1.45 एटमॉस्फेयर के इक्वल। यहां से 2p से 2p कैंसिल हो गया, 1 प्लस p बचा हुआ है 1.45, यहां से p की वैल्यू मिलेगी बेटो 1.45 माइनस 1, यानी कि p आ जाएगा यहां से 0.45 एटमॉस्फेयर, ये p का वैल्यू आ गया है। अब बच्चों यहां पर p की वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो p का वैल्यू पुट करते ही आपको t टाइम पर कितना प्रेशर था ये मिल जाएगा। तो t टाइम पर इसका प्रेशर ये हो जाएगा 2 × 0.45, यानी कि 0.90, ये हो जाएगा 0.45 के इक्वल। ठीक है, और ये कितना बचेगा, काम की बात तो है, N2O5 कितना बचेगा, तो 1 माइनस 2 × 0.45 यानी कि 0.90 घटेगा, तो 0.1 बच जाएगा ये। ठीक है, एट टी टाइम, और इनफाइनाइट की बात करें तो N2O5 ये तो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पर, और N2O4 ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल बनेगा, यानी कि इनिशियल 2 ATM था तो 2 × 1 बनेगा, और ये बच्चों यहां पर P के इक्वल बनेगा, यानी कि 1 ATM के इक्वल बन जाएगा, इस तरह का आपको फॉर्म में होगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं आपको टी टाइम पर टोटल प्रेशर कितना मिल रहा है, इसका वैल्यू कितना निकाला है 0.1 टी टाइम पर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.9, और इसका वैल्यू आ रहा है 0.45। यहां से सबको ऐड कर दें तो आपको बच्चों टी टाइम पर टोटल प्रेशर यानी कि पी टी मिल जाएगा। पी टी कितना आ गया, 0.9 प्लस 0.1 1 हो गया, और उधर ऐड करोगे तो 1.45 आ जाएगा। पी टी की वैल्यू आ गई है 1.45, और P नॉट कितना था इनिशियल प्रेशर 1 ATM। ठीक है, और P इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, ऐड कर दें तो 2 इसका है 1 इसका है तो 3 हो जाएगा टोटल, तो P इनफाइनाइट हो जाएगा 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K इक्वल टू दी 2.303 अपॉन टाइम लॉग बेस 10 P नॉट माइनस पी टी, सॉरी P इनफाइनाइट माइनस P नॉट अपॉन P इनफाइनाइट माइनस पी टी, P इनफाइनाइट माइनस P नॉट अपॉन P इनफाइनाइट माइनस पी टी। अब वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, यहां से T निकालना है बेटो, K की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5 × 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अब आगे इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, टाइम पूछा हुआ है, P का वैल्यू निकाल लिया था यहां से अपन ने, और P का वैल्यू पुट करके आफ्टर टी टाइम कितना प्रेशर टोटल मिला है पी टी, ये भी कैलकुलेट कर लिया है, और फॉर्मूला लगेगा P इनफाइनाइट माइनस P नॉट अपॉन P इनफाइनाइट माइनस पी टी। ठीक है डियर, अब बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं टाइम के फॉर्मूले में, देखें किस तरह से वैल्यू पुट करोगे। तो बच्चों टी इक्वल टू दी 2.303 अपॉन के, के कितना दे रखा है 5 ×
10 टू द पावर माइनस 4 लॉग बेस 10 p इनफाइनाइट कितना है 3 माइनस p नॉट कितना है 1 अपॉन p इनफाइनाइट 3 माइनस pt कितना है 1.45। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको t का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है डियर। तो t का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो y इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की फॉर्म में लाना है, और यहां से जो y का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से बच्चों इसको अपन सॉल्व करेंगे। हाँ बेटो, इस क्वेश्चन को आप चाहते तो इसकी स्टेबिलिटी 2 को आप ना लेकर आप इसको इस तरह भी डिसोसिएट कर सकते थे, 1 माइनस पी, ठीक है। इसमें भी मैं ओनली पी लिखूंगा, 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, और ये पी बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको टी टाइम पर टोटल प्रेशर के लिए कंसिडर कर सकते थे। मैंने 2 पी लिया था, यहाँ 2 पी लिया था, तो ये पी लिया था, फिर इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है डियर। तो यहां से आपको टाइम की वैल्यू वाई की टर्म में मिल जाएगी, जो कि सेकंड में ऑप्टेन होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नोट कर ले बेटो, फिर आगे बात करते हैं। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। कंसिडर ए 70% एफिशियंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल है, ठीक है। और H2O2 फ्यूल सेल के लिए बेटो H2O2 फ्यूल सेल वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एट 1 बार एंड 298 केल्विन टेम्परेचर इट्स सेल रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दे रखे हैं। पहली बात तो रिएक्शन के लिए इनोट दे रखा है, ठीक है। इनोट सेल पता है, आर की वैल्यू ये लेनी है, फेराड़े पता ही है, दे रखा है। तो मोनोएटॉमिक गैस है, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा हुआ है, देखें गैस मोनोएटॉमिक है, इसका 1 मोल लिया है बाद में। इंसुलेटर कंटेनर है, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का कंज्यूम कितना हुआ है, 1 × 10⁻³, जिसका 70% ही एफिशियंट है। तो सबसे पहले बच्चों डेल्टा जी नॉट, जो कि वर्क डन के इक्वल होता है, गिब्स फ्री एनर्जी यहां पर वर्क डन में कन्वर्ट होती है, तो वर्क डन डेल्टा जी नॉट की फॉर्म में निकाल लेते हैं, वो भी 70% एफिशियंट है केवल। देखते हैं कैसे निकालोगे। तो डेल्टा जी नॉट जो कि वर्क डन है, इसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल। अब बच्चों माइनस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है ये आप देख सकते हैं। टोटल अगर सेल के लिए बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहां पर, ठीक है। तो एन वैल्यू पुट कर लेंगे, देखिए यहां पर रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो माइनस 2 × फेराडे ई नॉट सेल की वैल्यू 1.23, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन कितनी काम में आ रही है, 1 × 10⁻³, और इसका 70% कंज्यूम हुआ है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, फेराडे की वैल्यू पुट कर देना यहां पर। यहां से बच्चों वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड यहां से ऑब्टेन होगा डेल्टा जी वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 ये होगा आपके पास 166.7 जूल के आसपास वर्क डन आएगा। अब बच्चों प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक, और अगर बच्चों प्रोसेस एडियाबेटिक है तो ध्यान रखें क्यू तो जीरो हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से आप कह सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू द क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा ई वर्क डन के इक्वल होता है बेटा। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वर्क डन के लिए, तो डब्ल्यू इक्वल टू द डेल्टा ई विच इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। सी बी को क्या लिख लेंगे, आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ये कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कितना आया है, 166.7 इक्वल टू दी एक वन मोल गैस लिया हुआ है, आर कितना है 8.314, डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, और गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस है लिखा हुआ है, मोनोएटॉमिक है तो 5/3 आएगा, तो गामा 5/3 माइनस 1 2/3 बचेगा,
ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। तो बच्चों यहां से डेल्टा टी फाइंड करना है, तो डेल्टा टी इक्वल टू दी, ये नीचे चला जाएगा 166.7 इंटू, बचेगा कितना नीचे 2/3, तो 2/3 ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे आएगा अब, और नीचे बचेगा 8.314। ठीक है, यहां से डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड प्राप्त करना है, और डेल्टा टी यहां से आपको आंसर ऑब्टेन होगा, ठीक है डियर, और यही आपका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर, नोट कर लें, एक बार लिखें इसको। तो यहां से डेल्टा टी का वैल्यू आपको 13.32 केल्विन ऑब्टेन होगा, ये आपका आंसर जाएगा बेटो, ठीक है डियर, कंप्लीट करें फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 92 यूरेनियम इज नॉन टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके टू फॉर्म 82 PV206 बाय इमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, ए रॉक इनिशियली कंटेन्ड 68×10⁻⁶ ग्राम ऑफ 92 यूरेनियम 238। इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट इट वुड बी इमिट ड्यूरिंग इट्स रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 92 यूरेनियम 32 टू 82 PB206 ये बनाना है इन थ्री हाफ स्लैब्स, काम की बात है, थ्री हाफ स्लैब्स, कितना है Zn×10⁻¹, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, ऐसा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि PB206 बनाने के लिए ये यूरेनियम 32-38 जो है किस तरह डिके होगा, किस तरह के पार्टिकल्स रिलीज करेगा। तो बच्चों सबसे पहले इसको डिके करेंगे तो 92 यूरेनियम 238 डिसोसिएट इनटू 82 PB206, यहां 8 मोल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 2He4 और साथ में 6 बीटा पार्टिकल्स रिलीज होगा, 6 बीटा पार्टिकल्स इस तरह से रिलीज करेगा ये बैलेंस रिएक्शन होगा बेटो। अब बच्चों नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो रिलीज हो रहा है वो कितना है, 8 है, 8 मोल्स यानी कि 8 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपको मिला है। अब बच्चों इनिशियल मोल कितना है यूरेनियम का, ये कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन से। इनिशियल मोल्स ऑफ यूरेनियम 238, तो बच्चों मास आपको दे रखा है यूरेनियम 238 का, कितना दे रखा है 68×10⁻⁶, 68×10⁻⁶ ग्राम अपॉन यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना है 238। यहां से बच्चों मोल्स आ जाएंगे, इनिशियली इतना है जिसको बच्चों एक्स के इक्वल लिख लिया जाए। ठीक है, अब बच्चों आफ्टर थ्री हाफ लाइफ्स यूरेनियम कितना रह गया है उसके मोल्स पता लगाने पड़ेंगे। तो थ्री हाफ लाइफ्स के बाद यूरेनियम कितना बचेगा, थ्री हाफ लाइफ्स Zn×10⁻¹⁸, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम 238 इन थ्री हाफ लाइफ्स इज, थ्री हाफ लाइफ्स में हो चुका है कितना Zn×10⁻¹⁸ डिके हो चुका है, इतना अल्फा पार्टिकल्स आपको मिलेगा। ठीक है डियर, तो बच्चों आपको यहां से जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देख सकते हैं अब आपको आफ्टर डिके अल्फा पार्टिकल्स यानी कि अमाउंट कितना बच रहा है ये देखना पड़ेगा। तो थ्री हाफ लाइफ से तो 1/2×3 कर देंगे, 1/2³ यानी कि 1/8 रह जाएगा, इनिशियली एक्स था। ठीक है, और यहां से 6 बीटा गया है और 8 अल्फा गया है, यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 तो अल्फा चला गया। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स अब जो बचेगा वो 3 हाफ लैप्स के बाद इनिशियल अमाउंट की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये रह जाएगा बेटो 7/8 और इनिशियल अमाउंट का x, इतना बचेगा।
तो 7/8x इतने अल्फा पार्टिकल्स ये रिलीज कर रहा होगा। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 7/8x ठीक है इनटू 8 पार्टिकल रिलीज किया है और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे एन ए से, ठीक है। अब बच्चों एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 7/8 इंटू एक्स कितना लिखा था अपन, नहीं रहा 68 इंटू 10^-6 अपॉन 238 इंटू एन ए कितना है 6 × 10^23। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 10^18 में आएगा और यहां से जो मिलेगा वही आपका जेड का वैल्यू होगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो जेड इंटू 10^18 और यहां से जेड की वैल्यू आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 1.2, ये आपको मिलेगा 1.2। तो आपका आंसर जाएगा जेड का जेड इक्वल टू मिलेगा 1.2। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे बेटो, ठीक है डियर, नोट करें बच्चों, लिखें सॉल्यूशन। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं और नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन, पी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पी, यानी कि पी रिएक्टेंट है यहां पर। तो बच्चों इस रिएक्टेंट पी को देखें, ये कैसा है 3° हैलाइड है, ये हैलाइड 3° है और 3° NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। और ध्यान रखें जब भी 3° हैलाइड NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 3° अल्कोहल बनेगा, 3° अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा बच्चों SN1 रिएक्शन में होता है, ध्यान रखें SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो 3° कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो अगर रिएक्शन SN1 है इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जैसा कि सबसे पहले 3° कार्बोकैटायन बनता है, देन OH का अटैक होता है, देन 3° अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखें SN1 रिएक्शन है और SN1 का मतलब ही क्या है बेटो, आप SN1 क्यों लिखते हो, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। तो आपसे बच्चों इसके लिए पूछ क्या रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन कौन सी बातें सही है, टी हाफ जो है इनिशियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सही है, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर या इनिशियल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। यहां कह रहा है इनिशियल रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, गलत बात है, कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बट यहां पर ही गलत दिया हुआ है। यहां बात करें तो Q अपॉन P यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ये भी गलत है, नेगेटिव जाना चाहिए था फर्स्ट ऑर्डर का है तो विद नेगेटिव स्लोप आना चाहिए था, ये भी गलत है बेटो, स्ट्रेट लाइन बढ़ा रहा है, ये भी यहां पर रॉन्ग है। तो ओनली फर्स्ट ग्राफ करेक्ट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल प्रेशर पी नॉट या फिर कंसंट्रेशन सी नॉट। इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है यार। ये थे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जिनको अपन ने सॉल्व किया है, ये सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए हैं, ठीक है यार, थैंक यू।